बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, जब से इसका ये टॉय आया है ये इतना ज़्यादा खुश है, इसको हमेशा लेके रखता है अपने पास में जब भी ये घर पे रहता है। एंड दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं बट एक दूसरे के बिना मन भी नहीं हो लगता है, तो ये है बचपन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं अभी आधे मेकअप में घूम रही हूँ, एक्चुअली वी आर गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, सो वहाँ पे भी मैं शूट करूँगी, डेफिनेटली शूट करूँगी। सो ये आई मेकअप खुशबू ने किया है, अभी लिपस्टिक वगैरह मेरा बाकी है एंड इधर मेरी बहना रेडी हो रही है एंड उधर मम्मी रेडी हो रही है। तो सबका फाइनल लुक आपको मैं पार्टी में दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी देवरानी का एक जो है बच्चा हुआ था, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो मैं ऐड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चेक करना। सो उसी की आज बेबी शावर है तो वहीं हम जा रहे हैं एंड मेरा आई मेकअप आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो वी आर रेडी टू सेट द पार्टी एंड फायर द पार्टी। सो हम लोग निकल चुके हैं एंड मिलेंगे डेस्टिनेशन पे आप लोगों से जाके। तो उसके पहले प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज बहुत सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, सो पूरा पार्टी का जो मूड है ना वो स्पॉइल हो चुका है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। आइए बताओ हमको, कन्हैया बनाए तुम, फूल की जगह बलून लगाया है। दांत दिखा, दांत दिखा, तू अपना दांत दिखा, हटा दांत दिखा, दांत दिखा। है ये क्या है, क्या है बताओ? बैलून, बोलो बैलून। होता है भाई से? हाँ बहुत ज्यादा भयंकर है। जब तो यहाँ पे खुशबू जो है कॉफ़ी का मज़ा ले रही है एंड यहाँ पे जो पकौड़े बने थे ना, इसे क्या बोलते मुझे नहीं पता बट बहुत टेस्टी थे। तो ये है मेरी देवरानी एंड ये है उनका प्यारा सा कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनके साइज़ के कपड़े भी नहीं मिलते एंड सबसे मज़ेदार बात तो ये हुई कि इसके जूते जो है इसके पापा जो लाए थे वो बिल्कुल इसके पैरों में फिट ही नहीं हो रहे थे। लास्ट में उसे निशी को बिना जूतों के लेके बैठना पड़ा। बट सच में बचपन और बचपन की यादें सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। यहाँ पे इतना अच्छा सा गाना चल रहा है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, बट यूट्यूब का ये कॉपीराइट का जो पंगा है ना यार, क्यों है समझ में नहीं आता है। मैं तो पार्टी में इतनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है बट वो म्यूज़िक के साथ हम अपलोड ही नहीं कर सकते। बट आप इसी तरह फील ले लो, ये बहुत ज़्यादा मेरी देवरानी खुश थी एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी क्योंकि वो बहुत ही फिर से देखो बहुत दूर है इन सारी चीज़ों से एंड इतने सारे लोग थे वहाँ पर वो उनको फेस कर रही थी। तो वो चुपचाप अपने बेबी को ले कर खड़ी थी एंड जो यहाँ पे डांस कर रही है ना वो लोग भी बहुत अच्छा, अटायर था उनका, मेकअप, एवरीथिंग इज सो गुड एंड नाइस। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये देख के। बोलते हैं पगलू डांस, मतलब जिसको जैसे डांस आ रहा ना यार वो वैसे कर दे रहा है। तो यही होता है खुशियों का आनंद कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है आप दूसरे की खुशी के लिए उसमें उनके रंग में रंग जाते हो। तो यहाँ पे जो कृष्ण का स्वरूप है बहुत ही अच्छे से गाने चल रहे हैं और यहाँ पे सब कोई बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। बहुत जल्दी ढोल बजने वाली है तो ब्लॉगिंग उसकी भी आएगी, तो उसके लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो
और जिसके बेबी का मीन्स बेबी सावर है पापा डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो कृष्ण जी थे वो बिल्कुल बच्चे के पापा को खींचते हुए स्टेज पे लेके आए, वो बहुत ज़्यादा साई फील कर रहे थे, बट सबके आग्रह करने पे उन्होंने फाइनली थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर नीचे कर दिया तो लो हो गया इंडियन डांस। कौन सी बड़ी बात है इंडियन डांस करना। सिगरेट ताने का प्रैक्टिस कर रहा है सिगरेट ताने का। बाप रे कितना जल्दी कैच कर ले रहे लग जाएगा उसका मुंडा में। राजकुमार को कोट पैंट पहनकर एकदम तैयार हो गया। रू कितना छोटा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है। फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द पार्टी एंड बिफोर एंड आफ्टर लुक आप देख सकते हो कितनी सज धज के मटक मटक के हम पार्टी में गए थे एंड अभी क्या कंडीशन है। तो अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है यार। तो ये ब्लॉग जो है मैं कल इत्मीनान से कंटिन्यू करूँगी एंड आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूँगी। तो अभी के लिए गुड नाइट। Shine bright up all night, we'll never slow when down.